छोटी छोटी बातों पर परेशान क्यों हो जाती हो तुम? चंद हजार की तो बात है, बताओ मुझे, मुझे बताती क्यों नहीं? क्या जानती हो तुम? क्या जानती हो तुम? छोड़े बताओ मुझे, जल्दी करो। मैं वैसे भी अच्छी तरह जानती हूँ कि आजकल तुम्हारा वक्त किन दोस्तों में गुजर रहा है, क्या सही और क्या गलत, ये सब कुछ जाने बगैर आप कैसे हो माँ को सजा दे सकते हैं? तुम्हारा ख्याल है कि मेरी माँ छोड़ दोगे? बेटा आज तो मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं, शाम को जल्दी आ जाएगा तो जरा डॉक्टर के पास ले चलिए। अम्मी जरा जरा सी बात पे डॉक्टर के पास मत चली जाया करें आप। ऐसा कि उसे यकीन आ जाए कि उसका मियाँ खूबसूरत बीवी छोड़कर एक आम सी लड़की में दिलचस्पी लेने लगा है। शाम को सीमी को बाजार ले जाना, अकील को भी, लैपटॉप का कह रहा था वो। लैपटॉप? अकील का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे लो, ये दामाद है वो लोग क्या कहेंगे, दामाद के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते हम। लेकिन अम्मी इतनी महंगी फरमाइशें कर कर के तो ना तो नासरा फुप्पो को हमारा ख्याल है और ना अकील को। अच्छा बस बस ना, जैसा मैं कह रही हूँ बस वही करो, जो मैं समझ सकती हूँ वो तुम नहीं समझ रही हो। चाय में शक्कर बिल्कुल ही नहीं डाली क्या? तौबा है भाई। शौकी भाई ये दाल सब्जी खा खा के तो हमारा सत्यानाश हो गया है। अरे खुदा के वास्ते कोई परिंदा पका के हमारे पेट में भेजो ताकि ये दाल चावल तो चुग ले। तुझे याद नहीं है तेरी अब्बा की हवेली में क्या रेल पेल थी, आए क्या खाने होते थे और क्या खुले दिल और खुले हाथ के आदमी थे। हवेली के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती थी, कोई खाली हाथ नहीं जाता था हमारे यहाँ से। नानी वैसे नाना का नाम क्या था? खान अब्दुल रहीम खान। अच्छा लेकिन पिछली बार तो आपने शेख अब्दुल्ला बताया था। है? आप बता दिया होगा, भूल गई होंगी भाई, अब उम्र का तकाजा है। अम्मा तुम भी ना। लगता है अब मेरे सोने का टाइम हो गया है। हेलो एवरीबॉडी। ओ भैया तू इतना टेढ़ा मेढ़ा होके क्यों घूम रहा है? जरा पता तो कर। ये आजकल होता कहाँ है तेरा बड़ा वाला भाई टीपू सुल्तान? अरे कोई घर तो नहीं ले लिया नया उसने? है अब पुराने घर में आता ही नहीं है, खाना भी नहीं खाता यहाँ, और उसकी वो चहीती नौकरानी सारा फ्रिज कमबख्त ने खाली कर छोड़ा है, कुछ नहीं रखा हमारे लिए। पता कर जरा। नानी एक घर मेरे नाम भी करवा दे, वारे न्यारे हो जाएंगे मेरे और साथ साथ आप लोगों के भी। हाँ बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े ही नजर आते हैं, पागल नहीं हुआ वो? अरे पागल नहीं है लेकिन पागल बनाया तो जा सकता है ना। मैं तुझे एक मशवरा दूं, उल्लू का गोश्त जो है ना उसके कोफ्ते बना के उसे खिला दे। पहला कोफ्ता मुंह में जाते ही तेरे कदमों में बैठेगा। आदाब अम्मी जान, आदाब अम्मी हुजूर, ये ना किया तो फिर बोलना। बस कर दो अम्मा। याद नहीं अम्मा 3 साल पहले भी तुमने ऐसा ही कोई नुस्खा बताया था और मैंने खुद खड़े मसाले में कोफ्ते बनाए भी थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो पीर साहब ही जाली निकले और वो जाली पीर ने 1,000 रुपए पाओ उल्लू का गोश्त देने की बजाय कबूतर का गोश्त दे दिया था। क्यों अब कोई ईमानदार पीर साहब मिल गए आपको? अरे बेटा ईमानदारी तो दुनिया से उठ गई है, सालिम उल्लू खरीदना पड़ेगा और इस उल्लू को किसी जंगल में भेज ताकि कोई ताजा जवान उल्लू पकड़ के लाइए, बस उसी को ज़िबा करके कीमा बना के खिला देंगे। जानी ऐसा भी हो सकता है कोई कौवा उल्लू का लबादा ओढ़े घूम रहा हो? अरे क्या तू भी ये सारे अल्फाज ना उस अपने भाई से सीखा है, वरना तुझ में इतनी जुर्रत कहाँ थी बोलने की?
कमबख्त दिमाग खराब कर दिया है, सारी बुकरात बन गए। अम्मा बस कर दो भाई, पकाओ मुर्गी, दिमाग खराब हो गया दाल खा खा के। कासिम ने रिजाइन दे दिया। जानती हूँ, किस्मत का बड़ा धनी निकला, बड़ी ऊंची जगह रिश्ता हुआ है उसका। हाँ सुना है मैंने। कह रहा था अब उन्हीं लोगों का बिजनेस देखेगा। अच्छी बात है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे हैं आप? मैंने आपको फोन किया तो आपको याद आया ना? नहीं ऐसी बात तो नहीं, बस वो कुछ मसरूफियत ज्यादा थी। आज आप ऑफ करके आ जाइए नानी जान के घर पे, मैं वेट करूंगा। आज? आज तो मुमकिन नहीं होगा। अरे भाई लैला पाकिस्तान आ चुकी हैं, आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। और आपको पता है वो अभी तक नहीं बदली, वैसे की वैसी ही है, बात बात पे हंस पड़ती और हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती है। अरे भाई आप आइए ना, आकर देखिए कि उसके आने से घर में कितना चेंज आ गया है, ऐसा लगता है जैसे बाहर उतर आए हैं। सिर्फ घर में नहीं, ये चेंज तो मुझे आपकी आवाज में भी महसूस हो रहा है। अच्छा आप अगर कहें तो मैं आपको पिक करूं? नहीं हसन साहब आज मुमकिन नहीं है, दरअसल दो तीन रोज से मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर ऊपर से मुझे आज कुछ और काम भी है। आप फिक्र ना करें, मैं एक दो रोज में बता दूंगी आपको। देख लीजिए लैला सिर्फ चंद दिन के लिए आई है। आप फिक्र ना करें, मैं इन्हीं चंद रोज में आऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे भाई लैला पाकिस्तान आ चुकी है, आपको उनसे मिलाना चाहता है। और आपको पता है वो अभी तक नहीं देखी, वैसी की वैसी ही, बात बात पे हंस पड़ती है। अरे भाई आप आइए ना, आकर देखिए तो उसके आने से घर में कितना चेंज आ गया, ऐसा लगता है जैसे बाहर उतर आए। आप ही वो, आप ही हाँ, आप ही कहाँ गुम है, कितनी देर से आपको आवाजें लगा रही हूँ। सच में आप ही, आपको पता नहीं क्या होता जा रहा है। बोलो क्या बात है, कोई काम था? अरे मुझे कोई काम नहीं है, वो अम्मी की तबीयत खराब है, आपको बुला रही है वो। अच्छा चल। क्या बात है अम्मी, बुलाया था आपने? कैसी तबीयत है आप? हाँ बस ठीक हूँ। देखो सादिया, एक दफा तुम घर आती हो दफ्तर से तो सीधी कमरे में घुस जाती हो और फिर अगले रोज दफ्तर जाने के लिए बाहर निकलती हो। कमरे से बाहर निकलो, हमारे भी कोई मसले मसाइल हैं, हमारे साथ बैठोगी तो पता चलेगा ना। अब देखो मेरा बच्चा बेचारा सारा दिन चंद हजार के पीछे नौकरी कर रहा है, क्यों? ये अपना बोझ उठाना चाहता है, हालांकि अभी तो उसके खेलने के दिन है। अब सारी जिंदगी उसने नौकरी करनी है ना, जिम्मेदारियां ही उठानी है। बड़ा हसास बच्चा है वो सादिया, उसको तुम समझाओ, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की अभी। अच्छा है अम्मी, उसे जॉब कर लेने दें, कम से कम मसरूफ तो रहेगा, वैसे भी आगे जाकर जिम्मेदारियां तो सारी उसी ने ही निभानी है। लो आ गया मेरा बेटा, आ बेटा, खाना खाया कि नहीं? जी अम्मी खाना खा लिया था मैंने, वो सिमी किचन में थी, उसको चाय का भी बोल दिया। ये बाहर के खाने सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, घर आके खाना खाया कर। वो आप ही, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ कहो क्या बात है? वो राशिद और मेरा ख्याल है कि अब इस घर में यूं सबके दरमियान रहना कुछ
मुनासिब नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता ये बात। ये ख्याल राशिद साहब को आया? तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं की मैंने। हुमा, तुम क्या वापस ससुराल जाना चाहती हो? तौबा करें, एक तजर्बा काफी है। उन चुड़ैलों के पास जाके मुझे मरना नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी, आपी के ऊपर एक कमरा तो ऑलरेडी है, अगर आप उसे रिपेयर करवा दें तो मैं और राशिद वहीं रह लेंगे। कुछ पता भी है कि कितनी रकम लग जाएगी इस फसूल से काम पर? कमाल है, अपनी अकल तो तुमने गिरवी रख दी है। जैसे मियां साहब कहते हैं, असबाब में तुम सर हिला देती हो। मना कर दो उसे कि मेरी शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ना शादी से पहले और ना शादी के बाद में। ये घर मेरा है और मैं ये फैसला करूंगा कि यहाँ कौन रह सकता है और कौन नहीं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखा देखा आपने अम्मी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया था, वरना ये जो आपके लालची दामाद है ना, खा भी जाते इस घर को और डिकार भी नहीं लेते। मैं भी देखती हूँ कि कौन हमें यहाँ से बेदखल करता है। आप ही तुम कमरा बनवाना स्टार्ट करवा दो। मेरी शादी से पहले से कुछ भी नहीं होगा। आप ही आप कान खोल के सुन ले। ओ चलो चलो निकलो यहाँ से, और उस राशिद छिछोरे को भी समझा दो कि मत आया करें यहाँ पे। ये मेरा घर है और इस घर की तरफ किसी ने नजर उठाकर देखा ना तो आंखें निकाल दूंगा उसकी। अच्छा अच्छा बस बस, अब चुप हो जाओ खुदा के लिए। अभी मैं जिंदा हूँ, मर जाऊंगी ना तो फिर ये सब कुछ करना जो जी में आए करना, अभी नहीं। खुदा का वास्ता है हुमा, चली जाओ यहाँ से। इस घर का सुकून तबाह कर दिया तुमने, और वो कमरा अभी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इस घर का मालिक हूँ मैं, जो मैं चाहूंगा वही होगा यहाँ पे। सुन लो सब आप लोग, पागल कर दिया मुझे तुम लोगों ने। तो फिर क्या कहा तुम्हारी अम्मी ने? उन्होंने क्या कहना है, वो तो हमेशा बिलाल की साइड लेती हैं। उस बिलाल के बच्चे ने तो पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ाई हुई अम्मी को, कुछ कहती ही नहीं है उसे, बस हमें ही बातें सुनाती। तो हुमा हम कहाँ रहेंगे? छत पे कमरा तो जरूर बनेगा, बस फिर हम दोनों वहीं रह लेंगे। बस आप देखें कि मैं करती क्या। और वो तुम्हारा निकम्मा भाई? आप ही, मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरी शादी में कोई भी कमी हुई ना तो मैं शादी वाले दिन खुदकशी कर लूंगी। कैसी बातें कर रही हो सीमी, होश के नाखून लो। आखिर हुआ क्या है? वो हुमा बेगम पूरा प्लान बना चुकी है कि वो छत पे कमरा जरूर बनवाएगी, और उसका निकम्मा शौहर राशिद उसे ये सब करने भी उकसा रहा है। अच्छा तुम जाओ, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। मैं बता देती हूँ अभी, अगर इस कमरे के चक्कर में मेरी शादी में कोई भी कमी आई ना तो मैं सच में कुछ कर गुजरूंगी। चुप हो जाओ सीमी, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा ऐसा, क्या उल्टी सीधी बातें किए जा रही हो। जाओ जाकर सो जाओ। दिल का दिया जल के दिया खूबसूरत सुबह है। तुमने क्या सारा दिन बिस्तर में रहना, उठो ना, बाहर जाके बैठते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। क्या ख्याल है, आज लॉन्ग ड्राइव पे चलें? नहीं आज नहीं, कल देखेंगे। क्यों भाई, आज क्यों नहीं? एक्चुअली मैंने और हसन ने मिलकर प्लान बनाया है कि हमारे कुछ पुराने कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलने जाएंगे। मेरा ख्याल था हम पाकिस्तान आके इकट्ठे एंजॉय करेंगे। तनवीर ये बात तुम यूके में भी कह सकते थे, हम लोग अगर चाहते ना तो एंजॉय वहां पे कर सकते थे, वहां तो कभी नहीं बोला। बहस मत करो लैला, प्लीज। बहस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ।
बहुत ही बुरा नाश्ता है आज का तो। क्या शहर के हालात बहुत खराब हैं? कोई कहत जैसी सूरत हाल हो गई है। क्यों अम्मा, तुम्हें ये ताजा खबरें कौन दे रहा है? ये अपना टेबल जो लगा हुआ है ना ये, अरे इस पे से तो गोश्त चिकन मटन सब कुछ गायब हो गया है और अब करीब अंडे भी गायब होने वाले। इस घर को घर के चिराग से ही आग लगी है और आप फायर ब्रिगेड का काम अंजाम दे रहे हैं ना? आप ये कहना चाहती हैं कि आग बराबर लगाई जाती रहेगी? अरे बेटा, तुम्हारा छोटा भाई है, कोई दस्ते शफकत उसके सर पे रखो, कोई कारोबार करवा दो उसे, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं वो आइसक्रीम पार्लर खोल दो, भाई है तुम्हारा, ताकि उसके जैसे उसके निकम्मे दोस्त वहां से भरपूर फैज उठा सके। अच्छा तो कोई सीडी की दुकान ही खोल दो। बहुत आला मशवरे होते हैं आपकी वालदा के पास। अरे अल्लाह तुम्हें खुश रखे, ऐसे मशवरे होते हैं, लोग दूर दूर से मशवरे लेने आते हैं। बस इसी खुशी में आज हमारा फ्रिज भर दो। जब खोलते मुंह चुड़ा रहा होता है, पानी गर्म हो रहा होता है उसमें। ईमान से इतनी दुआएं दूंगी कि ना पूछो। और बात सुन, मेरी दुआएं भी यूं ठा करके लगती है। अम्मा ये जूस ले लो और जाओ जाके दवाई खा लो, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। मुझे अपनी सारी टाइमों का पता है। अच्छा दवा पी लो खा लो। क्या बात है, आप बहू को घर नहीं ला रही? मैं तो तैयार हूँ, लेकिन वो बहुत ही जिद्दी लड़की है, इतनी मुश्किल से तो आई थी और अब फिर। जाहिर है अपनी जान किसे प्यारी नहीं होगी। नहीं नहीं भाई, हमने तो भाभी को बहुत प्यार से रखा था। खुदा की कसम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वैसे भी हमारी कौन सी कोई खानदानी दुश्मनी है उनके साथ? सारी बदतमीजियां मैंने भुला दी। अगर कहते हो तो मैं दोबारा लेने चली जाती हूँ, लेकिन फिर उसके इतने लंबे चौड़े खर्चे कौन बर्दाश्त करेगा? खुद को महारानी समझती है वो। हाँ भाई, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, भाभी के नखरे बहुत हैं। दोपहर में क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए खाने को? नहीं, मैं लंच घर पर नहीं करूंगा। आखिर बात क्या है, बहुत बदले बदले नजर आ रहे हो, कोई शादी वादी का इरादा तो नहीं कर लिया? शुक्र कर आज इतना मुंह से फूटा भी है, इसको तो बोलने पे भी टैक्स लगता है। ला डबल रोटी निकाल, शक्ल देख रही है बेटी। क्या ऐसा बिल्कुल नहीं हो? आई एम सॉरी अम्मी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। आराम से मेरी बात तो सुन ले बेटा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। और जहां तक हुमा का सवाल है, शादीशुदा है अब वो, उसे राशिद को चाहिए कि अपना घर ले और वहां रहे जाकर। इस घर को खैराती मुसाफिर खाना ही समझ रखा है इन लोगों ने, जब जिसका जितना दिल चाहे आकर रहे यहां पर। जबान संभाल कर बात करो, तुमने क्या हमें खैराती समझ रखा है? अगर मुझे वो मेरे कलमों इस दास से इतना तंग ना करती ना, तो मुझे भी इस घर में आकर रहने का कोई शौक नहीं है, समझे तुम? खुदा का वास्ता है हुमा, चली जाओ यहाँ से, इस घर का सुकून तबाह कर दिया तुमने। और वो कमरा अभी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, इस घर का मालिक हूँ मैं, जो मैं चाहूंगा वही होगा यहाँ पे। सुन लो सब आप लोग, पागल कर दिया मुझे तुम लोगों ने। सुन रही है अम्मी आप, मैं तो गैर हूँ ना, ये घर जितना तुम्हारा है ना उतना मेरा भी है, ये घर मेरे बाप का भी है, इसको कोई समझाए कि बहन हूँ मैं इसकी? तो ठीक ही तो कह रहा था, अभी मेरी शादी भी होनी है, फजूल पैसा थोड़ी है मैं जाया करने के लिए। हाँ तुम तो कहोगी ना ये, अरे शादी हो जाने दो तुम्हारी, फिर पूछूंगी मैं तुमसे जब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अगर तुम लोग बोल चुके हो तो मैं कुछ कहूँ? हुमा, तुमने जितने दिन इस घर में रहना है रहो, लेकिन फिलहाल सीमी की शादी करने के बाद ही इस घर में कुछ होगा। अब मैंने कह दिया और हंगामा ना सुनू मैं। पड़ गई ठंडक। सीमी तुम जाओ यहां से। जाओ। काश अब्बू जिंदा होते तो ये दिन तो ना देखना पड़ता मुझे। शादी के बाद भी कुछ भी मेरा अपना नहीं, मेरे अपने भी मेरे अपने नहीं। तो क्या तुम्हारा मियां कम आकर ला रहा है? हद है, ये करो वो करो,
नौकरानी नहीं हूं मैं इसकी। सीमी जबान संभाल के बात क्या करो मुझसे, तुम समझाती क्यों नहीं होती बहन को। एक जजीरा गुम सा गया, एक जजीरा गुम सा गया। मैं तो अपनी आपा को अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगा। अब तो मेरी इतनी तनख्वाह लग गई है कि गुड्डो को उसकी मर्जी की शॉपिंग भी करवा सकता हूँ। चलो भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब तुम कुछ पैसे मेरे हाथ पे रखो ताकि मैं कोई नया फर्नीचर लेकर आऊँ। भाई आखिर को दुल्हन के कमरे में फर्नीचर रखा जाएगा, लोग आएंगे देखेंगे, दुल्हन की तारीफ होगी ना। अरे आपा आप फिक्र ही नहीं करो, सारे पैसे आपके हाथ में ही तो रखने हैं मैंने। चलो अब किसी अच्छे से होटल में खाना खिलाओ, आखिर अब कमाने लगे हो, फिक्रो फाके के दिन तो चले गए। फिक्रो फाके के दिन ना थे पर ना ही आएंगे, बड़ी लंबी प्लानिंग है मेरी आपा। कह तो तुम सही रहे हो, देख लो वो तुम्हारी आपी अपना कमाती है, भला किसी की सुनेगी। अरे आपा आप फिक्र ही ना करें, बस एक दफा छोटी बहन का ब्याह हो जाने दीजिए, फिर शादी में बिल्कुल देर नहीं करूंगा मैं। हाँ ये तो सही है, अच्छा है भाई छोटी ब्याह कर अपने घर चली जाए, तुम लोगों का क्या है गिनती के चार आदमी हो, इतना बड़ा घर है तुम्हारा, आधा किराए पे उठा देना, तुम दोनों मियां बीवी के लिए तो दो कमरे बहुत हैं, एक कमरा तुम्हारा और इसका हो जाएगा, एक में तुम्हारी अम्मा और बहन पड़ी रहेंगी। अरे आपा तुम क्यों पीछे बोलती हो, ये इनके घर का मामला है, पता नहीं इनकी अम्मा चाहेंगी भी या नहीं। अरे वो मेरा घर है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। हाँ ना बिल्कुल, मिठाई खाओ ना, लाओ मैं तुम्हें खिलाऊं अपने हाथों से, ये लो। वो गुड्डो को भी देना। अरे तुम तो खा लो, अभी से इतनी फिकर होने लगी तुम्हें तो शरारती कहीं के, चलो। अब शादी में कुछ ही दिन रह गए हैं, ये रोज रोज मिलना अच्छी बात नहीं है। अच्छा और अगर मैं साहबजादे के ख्यालात से उनकी अम्मी को आगाह कर दूं तो? आ रहे हो आज? नहीं कुछ खास तो पका हुआ नहीं है। नहीं नहीं वो अम्मी की तबीयत सही नहीं रहती ना, बस सब इसी में ही लगे रहते हैं। नहीं नहीं तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लेती हूँ। हाँ। सीमी एक कप चाय तो बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब अखीर तुम आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बाय। कि तुमने सारे घर को मुलाजिम समझ रखा है क्या? जो कुछ बनवाना है ना अपनी बीवी से जाके बनवाओ। तो इतना बिगड़ क्यों रही हो, सिर्फ चाय का बोला है मैंने। चाय बना दो। हुमा, हुमा, कहाँ चली गई है? जी। कहाँ मर गई थी? कहाँ से आ रही हो? वो मैं बाहर कपड़े डालने गई थी। मेरे सर में दर्द हो रहा था, इस घर के लोग इतने बदतहजीब हैं कि बड़े छोटे का अदब लिहाज ही नहीं है। अभी बताती हूँ मैं से। देखती हूँ मैं से। एक कप चाय क्या मांग ली तो लड़ने पे आ गए। तहजीब की बातें कर कौन रहा है? वाह हम तो फिर इसमें हैरान ही हो सकते। सीमी बदतमीजी मत करो, संभालो अपने सरताज को, मैं इसकी मुलाजिमा नहीं हूँ, और वैसे भी इस घर में जो राशन आता है ना वो मुफ्त का नहीं आता। अच्छा तो तुम कमा कर ला रही हो इस घर में? तो क्या तुम्हारा मियां कमा कर ला रहा है? हद है, ये करो वो करो, नौकरानी नहीं हूँ मैं इसकी। सीमी जबान संभाल के बात क्या करो मुझसे, तुम समझाती क्यों नहीं होती बहन को। मैं क्या समझाऊं, सब अम्मी की दीवी ढील है। तनवीर जिक्र कर रहा था कि उसे वहां गांव जाना था, गया नहीं? दो तीन दिन में जाएगा। चलो अच्छा है, हम भी तुम्हें यहाँ बोर नहीं होने देंगे, खूब यूटिलाइज करेंगे इन दिनों को, पिकनिक रख ले।
I'm so sorry. I won't be able to make it. उसके साथ जाऊंगी मैं भी. क्या करोगी जाके? Nothing. उसकी फैमिली हमें भी काफी दफा विजिट करने आई है, तो I was thinking कि मैं भी मिल लूँ उनसे. अच्छा है ना, सबसे मुलाकात हो जाएगी. सुनो, नानू के पास चल के बैठे, अकेली बैठी हुई है वो. मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता था. सादिया. कौन सादिया? है एक लड़की, अच्छी लड़की है, मेरी दोस्त समझ लो. गर्लफ्रेंड तुम्हारी? नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. अच्छे घर की लड़की है, शरीफ, दुनिया की तमाम बुराइयों से दूर. मिलोगी तो यकीन करोगी मेरी बात पे. अच्छा है, तुम्हें कोई लड़की तो अच्छी लगी. वैसे तुम्हारी चॉइस तो अच्छी है. कब मिल सकती हूँ उससे? बहुत जल्द. मैंने कहा था उसे आने के लिए. आओ. वो कह रही थी कि दो तीन दिन में मेरे ख्याल से चक्कर लगाएगी. किसका जिक्र हो रहा है? नंजन सादिया की बात कर रहा था. हाँ लैला, तुम सादिया से जरूर मिलना. क्या प्यारी बच्ची है, अक्सर मेरे पास आ जाती है, लेकिन पिछले दो तीन रोज से नहीं आई. पूछूंगी आसमा से मैं, न जाने क्यों नहीं आई है. जी नानू, तनवीर से बात करना चाह रही हूँ, बट उसका नंबर बंद जा रहा है. Excuse me. आपने दवा खाई नहीं? हाँ बेटा, खा ली. आप ही ये सीमी को समझा दो, वरना मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं लिहाज व्याज करने वालों में से नहीं हूँ. भला बताओ, राशिद से इतनी बदतमीजी की है सीमी ने, अब अगर मैं अकील को कुछ ऐसा वैसा कह दूं तो फिर बहुत बुरा लगेगा सीमी बेगम को. नहीं नहीं हुमा, तुम कुछ ऐसा नहीं करना. अभी उनका रिश्ता बहुत नाजुक है. तो क्या मतलब है तुम्हारा आपी? मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं, ये कहां की शराफत है? हुमा, तुम राशिद को क्यों नहीं समझाते कि इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है? मैं ही समझाऊं अपने मियाँ को? उसने आखिर किया क्या ऐसा? छोटी बहन समझ के जरा सी अपनायत और बेतकल्लुफी से बात क्या कर ली? वो तो ना जाने क्या से क्या समझने लगी खुद को. शादी हो जाएगी ना इसकी तो मिजाज ठिकाने आ जाएंगे. हुमा, तुम उसके लिए अच्छी किस्मत की क्यों नहीं दुआ करती? तुम जब बोलती हो तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों कहती हो? मैं जा रही. समझा लेना उसको, मैं नहीं चाहती कि घर में कोई बदमजगी हो. शादी हो जाए ना तो सबसे पहले घर अपने नाम करवाना. ईमान से वारे न्यारे हो जाएंगे दोनों के. फिक्र ही नहीं करो, सब हो जाएगा. तनवीर अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गए हैं और लैला हसन के साथ शॉपिंग के लिए गई है. हसन साहब तो बहुत खुश होंगे. असल में लैला की आदत ही ऐसी है, वो लड़की सबकी दोस्त बन जाती है. अल्लाह मियाँ, इस नज़ला जुकाम ने तो दिमाग खराब कर दिया है. तौबा, चीख चीख के. तू किस मुराकबे में बैठी है? कहीं लाड साहब ने घर से निकल जाने का हुक्म तो सादर नहीं फरमा दिया? अरे मेरा क्या है, मेरी तो वो पुरानी दोस्त है ना छमिया भाई, मैं तो उसके फ्लैट पे चली जाऊंगी बस. है अम्मा, ना तो तुम खुद अपने दौर को भूलती हो और ना ही मुझे भूलने देती हो. बात सुनो बीबी, सच्चाई छुपाए नहीं छुपती, समझी? नहीं अम्मा, मुझे लगता है कि बजाहिर वो सब कुछ छोड़कर भी
मेरी नीयत में जरूर कोई ना कोई खोट रहा है, बस उसी की सजा भुगत रही हूं मैं। ए, पता नहीं क्या कुछ पक रही हो तुम। यकीन करो अम्मा, मेरा माजी मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस है। मैं उसे एक डरावनी ख्वाब की तरह भुला देना चाहती हूँ। वो मुझे कांटों की तरह चुभता रहता है। अब देखो ना, उस दिन हुमा ने बस ऐसे ही कह दिया कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, और मुझे लगा कि वो मेरे शर्मनाक माजी के बारे में सब कुछ जानती है। बस पता नहीं मुझे क्या हो गया और मैं इतना बड़ा नुकसान कर बैठी। मेरी तो अकल ही बिल्कुल मारी गई थी। ओ, इसका मतलब है तुम ये कहना चाह रही हो कि बहू की मोहब्बत दिल में जाग उठी है ना? शरीफ घरानों का वकार उनकी बहू और बेटियां होती हैं, और उमा हमारे घर की बहू है अम्मा, हमारी आइंदा नस्ल की अमीन। पर अब नहीं आने की वो, समझी? क्यों नहीं आएगी? और अगर नहीं आएगी तो मैं खुद जाऊंगी उसे लेने के लिए। अरे भाई, इसमें इतना संजीदा होने वाली कौन सी बात है? मुंह फुलाए बैठी है सुबह से। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। न जाने मेरी कही भी बातें इसकी समझ में क्यों नहीं आती। अब अगर तनवीर आ गया तो क्या होगा? अस्सलामुअलैकुम, मैं आ जाऊं? तुम्हें अंदर आने के लिए इजाजत लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? आओ। कैसी हैं आप? बहुत नाराज हूं मैं तुमसे, बहुत खफा हूं। तुमने तो हमें भुला ही दिया। ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा मेहमान हैं आपके यहाँ, आप मसरूफ होंगी। हाँ, वो मेरी नवासी और दामाद आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि घर में रौनक उतर आई है, लेकिन यकीन जानो तुम्हें हम फिर भी बहुत याद कर रहे थे। बल्कि मैंने तो कई दफा आसमा से पूछा भी कि जरा मालूम तो करो कहाँ है ये लड़की। चाय पियेंगी? हाँ, चाय पीने को तो मेरा भी जी चाह रहा है। तुम ऐसा करो, बावर्ची खाने में जाओ और वहां जाके बेहतरीन सी चाय बनाओ, और हाँ, वो फ्रिज में हलवा रखा हुआ है वो भी लेते आना, हम दोनों मिलके खाएंगे। फिर कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया क्या? खाना भी बाहर ही खाएंगे, और हाँ, तुम्हारे लिए भी लेती आऊंगी, अकेले मत खा लेना। भाई देखो, बात सुनो, ये रोज रोज मिलना जुलना छोड़ो, कदर खत्म हो जाती है इंसान की। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। हाँ, वैसे एक बात कहूँ, शादी हो जाए ना तो सबसे पहले घर अपने नाम करवाना, ईमान से वारे न्यारे हो जाएंगे दोनों के। फिक्र ही नहीं करो, सब हो जाएगा। अरे हाय, ये कौन सा कलर लगा लिया लिपस्टिक का? ऐसा लग रहा है जैसे बत्तख की चोंच बना ली तूने। चल कलर चेंज कर। रहने दो आपा, तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ फैशन का। हाँ हाँ, हमें क्या पता भाई, तुम तो जैसे हर दूसरे इश्तहार में आ रही हो ना, इस तरह की बात कर रही हो। अच्छा, वो तुम्हारी सैंडल है ना, वो पहने जा रही हूँ। हाँ हाँ, पहन जाओ। और बात सुनो, खाना ही नहीं ले आना खाली, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आना, 1.5 लीटर वाली, बड़ा दिल चाहता है बाद में आराम से बैठ के पीते रहेंगे बैठे हुए। ठीक है लेती आऊंगी। अरे कहाँ रह गया ये, पूरा खा जाऊंगा, अब तक नहीं आया। लगता है आ गया। मैं जाऊं या अंदर बुला लूं? नहीं नहीं, तू जा, मेरा कोई मूड नहीं है बातें करने का। ठीक है, जा रही हूँ। बहुत
बहुत शुक्रिया बेटा, जीती रहो जीती रहो। इस वक्त घर पे कोई नहीं है? हाँ, इस वक्त तो मैं अकेली ही हूँ। वो तनवीर अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गए हैं और लैला हसन के साथ शॉपिंग के लिए गई है। हसन से आप तो बहुत खुश होंगे। असल में लैला की आदत ही ऐसी है, वो लड़की सबकी दोस्त बन जाती है। अरे ये हलवा तो लो ना बेटा। जी अच्छा। हाँ देखो, खा के बताओ कैसा है। ये तो बहुत मजे का है भाई। अगर पसंद है तो और लो, ये बड़ी खास तरकीब से बनता। नहीं बस ठीक है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं फिर आऊंगी। इतने ही दिनों के बाद? नहीं जल्दी आ जाऊंगी। मैं देख रही हूँ तुम अपना ख्याल नहीं रख रही हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं क्या बेवकूफी है बेटा, मैं शायद किसी के लिए भी अहम नहीं हूँ, अपने लिए भी नहीं। देखो बेटा, जिस दिन तुम अपने लिए अहम हो जाओगी ना, दूसरे भी तुम्हें अहमियत देने लगेंगे। ये बात तुम अपने पल्लू में बांध लो मेरी। मुझे बहुत देर हो रही है, मैं अब चलती हूँ। नहीं रुको, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं मैं पैदल स्टॉप तक चली जाऊंगी, अच्छा है वॉक भी हो जाएगी। अरे बेटा बस स्टॉप तो यहाँ से बहुत दूर है। आज वॉक करने का दिल चाह रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। बेटे मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ। दाफिस। साथ ना होता तो उसको कौन संभालता? ये भी कोई सोचने वाली बात है, वो है ना मोहतरमा सादिया अली। जनाब खैरियत है? आज मौसम कुछ नासाजगार सा लग रहा है। नहीं अरे यार, मौसम जैसा भी हो हमें तो अब खिजाओं की आदत हो चली है। लो अभी कुछ दिन पहले तो बहुत खुश था लैला के आने पर, अब क्या हुआ? हाँ सच कहता है, खुश तो मैं बहुत था, सोचता था लैला आएगी तो उसके साथ बहुत सा वक्त गुजारूंगा, बहुत सी बातें करूंगा, लेकिन 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 क्या क्या मुझे लगता है लैला मुझसे दूर होती जा रही है। कभी उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा होता है, बहुत खुश होती है, और कभी मुझे बिल्कुल इग्नोर कर देती है। उसके इस रवैये की वजह मैं समझ नहीं पा रहा। तूने बताया था उसका शौहर भी साथ आया? हाँ तनवीर। देख हसन, तेरी मोहब्बत और तेरा उसके लिए तड़पना अपनी जगह है, लेकिन वो तनवीर की बीवी और यही हकीकत है। अब खुद को उसके लिए तड़पाना, आई मीन हकीकत तो बदलने वाली नहीं है ना यार। एक तू समझ नहीं रहा है,
लेकिन लैला इस मामले में मुझे तुझसे ज्यादा समझदार लग रही है यार। वो अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, तेरे साथ नहीं। अब तू भी इस बात को एक्सेप्ट कर ले बस। हाँ, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि वो ये सब कुछ किसी परेशानी की वजह से कर रहे। देख हसन, मैं तुझे पहले भी समझाता रहा, लेकिन जिंदगी के जिस स्टेज पर तू है ना, वो इंसान को हकीकतों का सामना करना पड़ता है। अरे तू उसे भुला कर अपनी नई दुनिया बसा, और ये तभी मुमकिन है जब तू अपनी दुनिया को करीब से देखेगा। मेरी बात का यकीन कर यार, तेरी दुनिया लैला की दुनिया से ज्यादा खूबसूरत और हसीन होगी, जस्ट ट्रस्ट मी। सही कह रहा हूं मैं सोचता हूं कि अगर तू मेरे साथ ना होता तो सब कौन संभालता। लो, ये भी कोई सोचने वाली बात है, वो है ना मोहतरमा सादिया अली। अरे इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि तैयारी कहाँ तक पहुंची। अब देखो ना, खाली हाथ तो मैं लड़की लेके नहीं जा सकती। हाय, बड़ी इज्जत थी मेरे भाई के खानदान में, बड़ा नाम था। ये वो जिसकी तारीफ कर रहे थे तुम लोग? I mean, come on, just look at her. She's just so fat and ordinary. पारस और पत्थर का फर्क ही नहीं पता है तुम लोगों को। सादिया, आप देखिए, मेरा कसूर नहीं है, आप न जाने किस ध्यान में जा रही थी। कुछ नहीं हुआ है मुझे, जिंदा हूं मैं, देख नहीं रहे हो? इस घर में तो हर किसी का दिमाग खराब है। वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहूंगी। नानी जान से कोई टैबलेट ले लो। हसन प्लीज, आई एम नॉट अ किड, ओके? आई कैन टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। माजी को बुला चुकी हूँ नाना। हसन के साथ भी फ्री इसीलिए हो रही थी ताकि मैं तनवीर को आजमा सकूँ, उसे उसकी गलतियों का एहसास दिला सकूँ।